की अभी तक की सीम है, स्विंग है, और सबसे अच्छा लगा कंसिस्टेंसी, जो पेस है 144 के ऊपर। मुझे लग रहा है बॉलर में कंपटीशन है, मैं भी 5 लूंगा, तू भी 5 ले रहा है, मैं भी लूंगा। तो जब ऐसा कंपटीशन होता है बड़ा मज़ेदार होता है। पाजी ने जब बीच में कर रहे थे शो, बोला था कि शामी को खिलाना बहुत ज़रूरी है। आए और देखिए, सबसे बड़े बॉलर बन गए वर्ल्ड कप के, जही भाई को पीछे छोड़ा, श्रीनाथ सर को पीछे छोड़ा, और कहाँ से उनका तुरुप का इक्का बने। अब जब भी उनके हाथ में गेंद होती है तो ऐसे लगता है लाइटें बिखरने वाली है। सही बात है, मतलब आप जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शमी और सिराज ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को दौड़ा दौड़ा के मारा है। इंडियन मीडिया का रिएक्शन आप यहां पर देख रहे हैं। आपको अगर स्किप करके वीडियो देखना है तो कुछ सेकंड का आप वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। और इंडिया मीडिया का रिएक्शन आगे है, मैं आगे आपको बताऊँगा कि मोहम्मद शमी ने किस तरह से श्रीलंका की बल्लेबाजों की धज्जियाँ उड़ाई और उनकी गिल्लियाँ बिखरने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। देखिए मदन जी, 5-4-5, मतलब आम तौर पर आप वर्ल्ड कप पूरा खेल जाएं और आपकी 14 विकेटें हो ना तो आप कहते हो वाह यार जबरदस्त है। मोहम्मद शमी ने 3 मैच में 14 विकेटें ले ली है। मदन जी, विक्रांत, पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उन्होंने सारे इंडियन फैंस को भी अब मेरे को बताइए कि तारीफ कहां से शुरू करें। बैटिंग से मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। बैटिंग से क्या उसकी, मैं सुरेश को कह रहा था बैटिंग से करें या बॉलिंग से करें, बैटिंग से करें या बॉलिंग से। मैं वही पूछ रहा हूं कि आप कहते हो ना तारीफ करूं मैं उसकी, तारीफ करूं जिसने मैं उसकी, किसे किसे बनाया। एक तो जो बॉलिंग अगर की तारीफ करें, राणा बैटिंग ही कर देगा, मैं बॉलिंग ही कर देगा। चलिए करिए, शुरू कीजिए। क्योंकि बॉलिंग पे जो बुमराह का गेंद पढ़ के ऐसे गहना, अगर आप स्लो मोशन में देखें तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया सीम का नजारा कहीं नहीं मैंने देखा, कभी नहीं। देखिए बैट्समैन बॉल आउट स्विंग हो रहा है, बैट्समैन बिल्कुल ऐसे होता चला जा रहा है, यू नो लाइक, और बाहर जो निकाल रहा है, और ये बुमराह और प्लस सिराज ने जो हम कह रहे थे ना कि गेंद आगे करे, आउट स्विंग करे, आज उसने कर दिया और 4 विकेट भी ले लिए। और मोहम्मद शमी नंबर 1, ऑलवेज नंबर 1। बिल्कुल बिल्कुल, एक सिराज का बॉल गया था केएल राहुल के भी अंदर से, वॉबल सीम की जो आप बात कर रहे थे पहले, उसने थोड़ा सा सीम क्रॉस किया और जिसे पढ़ के स्टंप के ऊपर से गया बॉल, और जो जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, ये दोनों तो ऐसे गन बॉलिंग कर रहे हैं, 144 में डरा डरा के आउट कर दे रहे, डरा डरा के भगा भागा। ये देखिए ये तस्वीरें जो मदन जी आप बात कर रहे थे, गेंद अंदर आते 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 थोड़ा सा बाहर निकलता है, और बड़ा मजा है जो स्लो मोशन में देखेंगे। ये पहला विकेट था बुमराह का, ये उसके बाद सिराज ने कहा आइए मैं आता हूँ दौड़ में। और देखिए पता क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है इस पेज से, इंडियन विकेट के ऊपर वो आगे गेंद कर रहे हैं और 145+ पे गेंद उनका जा, और मूवमेंट जब आपकी स्पीड इतनी है और उसके साथ मोमेंट है और लेंथ कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर में आप गेंद करना चाह रहे हैं, मेरे विचार में वो कोई भी बैट्समैन, दुनिया की कोई भी बैट्समैन बैटिंग साइड होगी वो स्ट्रगल करेगी, डेफिनेटली स्ट्रगल करेगी करेगी। और पाजी अच्छी कप्तानी इंडिया जैसे विकेट में, जैसे पाजी ने बोला 4 स्लिप, कैचिंग बहुत अच्छी हुई है, और रोहित ने पता है उसका फॉर्मूला क्या है, अटैकिंग उनको वो फील्डिंग दे रहे हैं। शामी देखिए पहले ओवर में चटकाया, उसके बाद जिस तरह सिराज ने जो बोल्ड मारा था वो, और अच्छी लेंथ, अच्छे यॉर्कर, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर भारतीय टीम के बॉलिंग कोच की भी, जिन्होंने सब खेमे को संभाल के रखा हुआ है, और जिस तरीके से गिल कैचिंग किया, सुरेश अय्यर ने कैच अच्छा पकड़ा, ओवरऑल मुझे लगता है कि एक नंबर परफॉर्मेंस है। लेकिन जीत जो अभी वर्ल्ड कप के आसपास जो चीज़ें होंगी, ये टीम पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट की है, हर टीम को 7वीं जीत आई, और जिस तरीके से हमारे बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप में बैटिंग किया हो, सुरेश अय्यर का फॉर्म में आना, सिराज का वो सेम एशिया कप वाला परफॉर्मेंस करना, मतलब यू कांट आस्क फॉर मोर, बैक टू बैक हर चैंपियन। यहां दोस्तों अभी आप देख रहे थे इंडियन मीडिया का रिएक्शन, विक्रांत गुप्ता सर और सुरेश रैना और मदन लाल ने जो रिएक्शन दिया है शमी की बॉलिंग और सिराज के बॉलिंग पे, जो उन्होंने बोला है कि 140 की स्पीड के ऊपर जो गन बॉलिंग डालते हैं और आगे डालते हैं और स्विंग कराते हैं और जिस तरह से स्टंप पर मार के गिल्लियां बिखरते हैं, ये काबिल तारीफ है। और शमी की स्पेशली काफी तारीफ की, उन्होंने बोला कि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान अगर कोई गेंदबाज 14 विकेट लेता है यानी 14 विकेट लेता है तो उसकी काफ़ी तारीफ होती है, लेकिन मोहम्मद शमी ने यहाँ पर सिर्फ 3 ही वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने 14 विकेट पूरे किए हैं। इंडिया ने उन्हें पूरे मैच नहीं खिलाया, अगर उन्हें पूरे मैच खिलाया होता तो इंडिया आज शमी के काफ़ी विकेट होते, और शमी जिस तरह से फॉर्म में है उन्हें कंटिन्यू कर देना चाहिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप विराट कोहली के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, गुड बाय दोस्तों।